नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे सेट किया जाता है, कैसे उसका नेट प्रॉफिट को हम फाइनलाइज करें, कैसे एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस किस हेड में जाते हैं, कौन सी इनकम में जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कौन से एक्सपेंसेस लेने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आता है, ये सब मैं आज की वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग बैलेंस शीट मैंने खोला हुआ है, सॉरी बैलेंस शीट नहीं, ट्रेडिंग पीएनएल दोनों ओपन किए हुए हैं। अब इसमें सबसे पहले आप यहाँ देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ रहा है 3.86 रेशियो, जो उसका बता रहा हूँ मैं आपको, और 5.97 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट शिफ्ट होकर के यहाँ 597 नेट यहाँ शो हो रहा है पीएनएल में, और नीचे कुछ इनकम शो हो रही है, इनडायरेक्ट इनकम्स दैट इज डिस्काउंट। इस ये वाला जो डिस्काउंट है वो इसलिए इनकम शो हो रहा है बिकॉज हम जो परचेज़ करते हैं और परचेज़ पे हमको जो सप्लायर को पेमेंट करते वक्त हमें जो डिस्काउंट रिसीव होता है वो एक तरफ से हमारा इनडायरेक्ट इनकम काउंट होता है, तो उसको हम यहाँ पे इनकम में डाल देते हैं। और रिमेनिंग जो यहाँ पे होते हैं शॉप से रिलेटेड या ऑफिस से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। वो सारे एक्सपेंसेस जो मटेरियल से बिलोंग नहीं करते हों, जैसे कि सैलरी हो गया, शॉप एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए, लीगल एक्सपेंसेस हो गए, आपका डेप्रिसिएशन हो गया, या कोई स्टोरेज चार्जेस हो गए, रेंट हो गए, ये सब आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, तो इनको एज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाता है और जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मटेरियल पे परचेस करते वक्त हमारा लगता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है, जैसे कि हमारा लेबर एंड वेजेस हो गया, फ्रेट हो गया, और कोई पैकिंग मटेरियल हो गया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न का किसी का होता है, तो वो सारे डायरेक्ट में काउंट होते हैं। डायरेक्ट जो भी मटेरियल से बिलोंग करते हो, मटेरियल को प्रिपेयर करने में, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह के लाने में। इनडायरेक्ट शॉप पे ऑफिस में जो भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटेड टू आवर बिजनेस दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आपका मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट 597 हो गया और नीचे आपके इनडायरेक्ट इनकम्स आने के बाद ये 624 हो गया। अब आपके एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? एक्सपेंसेस आपके बैंक चार्जेस हो सकते हैं, आपके कोई कार है जो बिजनेस में यूज़ होती है उसके इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आप इसमें ले सकते हैं, फ्रेट जैसे कि मैंने आपको कहा कोई कोई फ्रेट डायरेक्ट में लेते हैं, कोई कोई इनडायरेक्ट में लेते हैं। ये इनडायरेक्ट में यहाँ पे इसलिए शो हो रहा है कि हम अगर किसी को सप्लाई करते हैं मटेरियल, डिलीवरी करते हैं, तो उस पर जो फ्रेट लगता है लोकल एक्सपेंसेस दैट इज़ कॉल्ड फ्रेट ऑल्सो, तो उसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। लेबर एंड वेजेस हम जो मटेरियल सप्लाई करते हैं उसकी लेबर एंड वेजेस हमको पे करते हैं कि आप उनको सप्लाई करके आओ, उनके वेयर हाउस में वो जितने भी कार्टून्स हैं या कि ऑफलोडिंग के चार्जेस जो होते हैं वो हमें वेयर करने होते हैं, तो हम उसको एज ए इनडायरेक्ट करेंगे। और अगर पार्टी वेयर करती हो तो पार्टी का लुकआउट है। ऐसे ही सैलरी होती है, शॉप एक्सपेंसिस हो गया, वाटर एक्सपेंसिस हो गया, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसिस हो गया, ये सब आपके इनडायरेक्ट में जाते हैं। अब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, मान लीजिए आपके लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में स्टार्टिंग में आपकी सेल 50 लाख थी, देन नेक्स्ट में वो 70 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 1.2 हो गई, तो ऑब्वियसली अगर आपका सेल बढ़ता है तो आपके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते हैं। सेल बढ़ता है, एक्सपेंसेस कैसे, जैसे आपको आपका सेल एक ईयर से दूसरे ईयर में इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली आपको स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपकी सैलरी के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, आपकी लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस बढ़ते हैं, आपका स्टोर करने के लिए अगर आपके पास एक ही शॉप है और मटेरियल जाता है तो आपको स्टोरेज करने के लिए कोई वेयर हाउस वगैरह भी लेना पड़ता है, तो वो खर्च एक्सपेंसेस होते हैं। तो अल्टीमेटली जहां आपके सेल बढ़ती है तो आपके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका मार्जिन क्या है, आप मार्जिन क्या मेंटेन करते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग आपका मार्जिन क्या है। जो भी आपका मार्जिन रहता है ग्रॉस प्रॉफिट का, उसके अलावा एक्सपेंसेस को नीचे लेस करने के बाद जो बचता है वो नेट प्रॉफिट का मार्जिन होता है। नेट प्रॉफिट के मार्जिन पे हमें फर्दर वर्किंग करनी होती है, उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। अब इसमें आप जैसे देख रहे हैं तो एक्सपेंसेस आपके कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी एक्सपेंसेस को भी आप इसमें
हो सकता है आपका कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस हो जो आपको यहाँ पे शो करना हो, तो इस तरह से आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को सेट कर सकते हैं। कुछ एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट होंगे, कुछ डायरेक्ट होंगे, कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इनकम आपकी आएगी। अब यहाँ पे इनकम कुछ भी आ सकती है, मान लीजिए आपका कोई प्रॉपर्टी है उसको आपने रेंट पे दिया हुआ है, वो भी बिजनेस के नाम से ही है, तो उसका रेंट यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम होगा। या आपकी कोई FD किया हुआ है तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका इनडायरेक्ट होगा। फर्दर कोई आप किसी पार्टी से लेट पेमेंट पे उनसे अगर इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस को अपने सेट कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आप बना सकते हैं किस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारा करंट जो नेट प्रॉफिट का रेशियो है 0.97 है और हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा 1.49। ये एग्जाम्पल के हिसाब से एजुकेशनल बेसिस में आपको मैं बता रहा हूँ, डेटा आपकी कंपनी एज पर एज यूर एक्चुअल जो भी आप रहते हैं वो अलग है, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है। फर्दर जो भी आप वर्किंग करते हैं वो आपने समझदारी और जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग आप करते रहिए। ओके, तो इसमें जैसे हमारा 0.97 है, 1.49 है, एंड वी नो कि हमारे और भी एक्सपेंसेस अभी हैं जो कि हमने एंटर नहीं किए हैं, हम फाइनलाइज कर रहे हैं बैलेंस शीट। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कि हम प्रॉपर कभी रह जाते हैं या कभी कुछ कोई सपोज मिस एंट्री हो जाती है, कभी कैसा हो जाता है, तो हमेशा 31 मार्च के बाद ऑडिट से पहले बैलेंस शीट को रेडी किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को रेडी किया जाता है, पूरे अकाउंट को रिव्यू किया जाता है कंप्लीट सारे एक्सपेंसेस, क्योंकि ऑडिट जो आप करवाते हैं वो एक बार फाइनलाइज होने के बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो डेटा को एक बार अच्छे से वेरीफाई करके हम करते हैं, तब हम ये सारा ये रिव्यू करते हैं। अब आप मान लें कि आपकी जो सैलरी है वो लास्ट ईयर 1.5 लाख थी या 15,000 पर मंथ थी, बट आपने कुछ और भी स्टाफ अभी अपॉइंट किया है जिसको आप अराउंड उसको भी आप सपोज कीजिए या 9,000 रुपये या 8,000 रुपये देते हैं, तो वो आपको जिसे भी एंट्री करनी हो, ओके, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सैलरी का डालना पड़ेगा 9,000 या जैसे भी है, हम पूरे ईयर का ले लेते हैं, एक एग्जांपल के हिसाब से हम इसको बल्क एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। वैसे बल्क एंट्री होती नहीं है, ये जस्ट अपन एक सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए कर रहे हैं, तो इसकी बल्क एंट्री ले लेते हो, ये हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। अब ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे GP परसेंट जो होगा वो डाउन हो गया होगा, NP परसेंटेज सॉरी, ये डाउन हो गया। तो ये सब डिपेंड करेगा आपके टोटल एक्सपेंसेस पे, आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस पे जो कि हुए हैं, जिनके कि आपके पास रिसिप्ट्स हैं, उनके जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स होती हैं वो हैं, ये सब ऑडिट में काम आती हैं। ऑडिट कराते वक्त ये हम आपसे CM से लेते हैं, CA वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही उसको ऑडिट करते हैं, साइन करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इन चीज़ों को मतलब एक ये एडवांस लेवल इन्फॉर्मेशन है, हर कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा कि ये कैसे सेट किया जाता है, इसमें क्या कोई कमी रह जाती है वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन कोई डीपली हमको कोई बताता है तो सडनली हमको पता चल जाता है कि हाँ ये तो इसमें होना है, ये तो किया ही नहीं हुआ है। तो उस चीज़ को अभी जैसे डेप्रिसिएशन भी हो गया, डेप्रिसिएशन अब जैसे फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स पे भी अगर आपको कुछ डालना होगा कोई आपके होंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन भी आप चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एक पार्ट होता है, तो वो भी आपके उसमें प्रॉफिट से खर्चा लेस होगा, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट कम होगा और आपका टैक्स का अगर टैक्स में सेविंग बनती है एप्लीकेबल होता है तो आपका इससे टैक्स सेव हो सकता है। और भी हैं 980C डिडक्शन वगैरह होते हैं जिसमें भी आप इनकम टैक्स में आपको रिबेट मिल सकती है, गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक टाइम टू टाइम अच्छे मतलब निकालती रहती है कुछ ना कुछ की, जिससे टैक्स पेयर को हर किसी चीज़ का लाभ मिल सके, उसको पूरा प्रॉपर उसका यूज़ कर सकें और जो भी उनकी बुक्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से फाइनलाइज करें और ऑडिट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आगे शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी प्रॉफिट एंड लॉस से रिगार्डिंग अगर आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से नीचे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।